हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग नेट करंट एसेट वैल्यू जो कि बेंजामिन ग्रहम, जिनको हम लोग फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग लेंगे। फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी मुझे, मैंने इसके बारे में पढ़ा और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और जबकि 1932 में क्या हुआ था कि बहुत ही बड़ा यूएस मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, तब बेंजामिन ग्रहम जो कि एक फंड मैनेजर थे, उनका बहुत पैसा 80-90% पैसा डूब गया। तब उन्होंने सोचा कि कैसे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इस फॉर्मूला को उन्होंने डिजाइन किया, नेट करंट एसेट वैल्यू। तो क्या हुआ कि इस फॉर्मूला को यूएस में यूनिवर्सिटी में उन्होंने टेस्ट किया कि क्या ये फॉर्मूला चलता है या नहीं चलता है। तो क्या हुआ कि ऑलमोस्ट ऑल 1970 से 1983 तक इस फॉर्मूला को टेस्ट किया, तो उन्होंने देखा कि 28% CAGR रिटर्न्स मिले, जबकि मार्केट तो सिर्फ 8% ही CAGR रिटर्न दिया था। और दूसरी बात मैं आपसे कह दूं कि वॉरेन बफेट जो कि बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको भी 21% CAGR रिटर्न्स ही मिले हैं। और वॉरेन बफेट जी भी इस फॉर्मूला को 1930 से 1955 तक यूज किया, क्योंकि तब क्या होता था कि नेट करंट एसेट वैल्यू से स्टॉक्स बहुत ज्यादा मिलते थे, बहुत ही अच्छे स्टॉक्स मिलते थे, क्योंकि तब यूएस के मार्केट्स अंडर वैल्यूड थे। तब नेट करंट एसेट वाले स्टॉक्स को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान था और बहुत ही अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स मिलते थे। तो तब उन्होंने इसको यूज किया 1955 तक, और तो फिर वो क्वालिटी स्टॉक्स में चले गए, क्योंकि तब उसके बाद नेट करंट एसेट वैल्यूज, क्योंकि तब मार्केट बहुत एफिशिएंट बन गया था, इसलिए उसका उतना स्टॉक्स मिलना बहुत ही मुश्किल था। सो इस वीडियो में आपको पूरा के पूरा जानकारी दूंगा कि नेट करंट एसेट्स वैल्यू क्या होता है, और अगर हम स्टॉक्स नेट करंट एसेट वैल्यू के बेस में चूज करते हैं तो किन किन बातों को हमको रखना चाहिए। क्योंकि मेन, अगर आप नेट करंट एसेट वैल्यू से अगर आप चूज करते हो तो आपको विद इन वन ईयर ही आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। मैक्सिमम आप होल्डिंग टाइम स्टॉक को होल्ड करते हो 2 इयर्स, अगर 2 इयर्स तक भी ये स्टॉक नहीं चलेगा तब आप उसको बेच देते हैं, वही बेंजामिन ग्रहम भी करते थे। तो 1955 में जबकि उनको कुछ नेट करंट एसेट के स्टॉक्स नहीं मिले तो वो रिटायर हो गए, क्योंकि तब तक तो उनका एज भी 70+ हो गया था। लेकिन अगर मार्केट बहुत गिरता है तब तो 30% ऐसे गिरता है, तो नेट करंट एसेट वैल्यू का स्टॉक्स फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको विद इन वन ईयर 50% रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हमको नेट करंट एसेट वैल्यू स्टॉक्स फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया से उसको आपको आपके आपको अपना माइंड में रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ नेट करंट एसेट से ही स्टॉक्स को खरीद लोगे तो वो स्टॉक्स क्या होंगे कि वो बढ़ेंगे नहीं। आपको मैं एक स्टॉक दिखाता हूं अभी, Moons Technologies।
पहला क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, पहला क्राइटेरिया आपको ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है ना फ्रेंड्स, इसको देखना है और सिक्योर्ड लोन्स को भी देखना है। यहाँ देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको दिखा रहा है 2,856 करोड़ से, सिक्योर्ड लोन्स देखिए 101 करोड़ से। आपको स्टैंड अलोन में भी देखना है और कंसोलिडेशन में भी इसको देखना है कि क्योंकि कंसोलिडेशन क्या होता है, उनका ग्रुप कंपनीज भी ऐड हो जाते हैं। सो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस देखिए यहाँ पर 3,192 करोड़ से। सो यहाँ लोन्स देखिए सिर्फ 101 करोड़ लोन्स है। देखिए कंपनी लगातार लोन्स को गिराता आ रहा है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसको जरूर आप माइंड में रखिए। और दूसरी क्राइटेरिया है डिविडेंड पे कर रहा है, डिविडेंड भी पे किया है 2018 में, 2016 और 17 में। ये एफडी नाम का कंपनी हुआ करता था, तब वो बहुत थोड़ा प्रॉब्लम में हो गया वो स्टॉक होल्डिंग, इसलिए उनका बहुत पैसा गया। सो देखिए डिविडेंड भी कंसिस्टेंटली पे करता है। और हमको दूसरी बात को भी लेना है, प्रमोटर होल्डिंग्स भी देखना है। प्रमोटर होल्डिंग भी 40% से भी ज्यादा है, ये भी अच्छी बात है। सो ये हमारा क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया देखिए डेप्थ देखना है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्राइटेरिया डिविडेंड देखना है। थर्ड क्राइटेरिया प्रमोटर 40% से ज्यादा होना। सो हमारा सारे के सारे क्राइटेरिया आ गए हैं। सो अब बुक वैल्यू भी देख लेते हैं। पहले बुक वैल्यू देखिए 600 रुपीज पर चल रहा है और ईयरली रिजल्ट्स देखते हैं। सेल्स थोड़ा डाउन है लेकिन ये बहुत अच्छा टर्न अराउंड करेगा। अभी शेयर चल रहा है सिर्फ 90 रुपीज पर चल रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि इसका नेट करंट एसेट वैल्यू देखते हैं। लेकिन ये क्या हुआ था कि सिर्फ कुछ लोग बताते हैं वीडियो नेट, मैंने इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, कुछ लोग बताते हैं कि आप नेट करंट एसेट वैल्यू से कम होता है तब आप खरीद लो, आप जरूर नेट करंट एसेट वैल्यू तक जाएगा शेयर, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो लोग यूट्यूब में वो लोग आपको बताते नहीं है कि वो डेप्थ डेप्थ के बारे में, डिविडेंड के बारे में, क्योंकि ये भी अगर आप ज्यादा डेप्थ वाला खरीदते हैं, डेप्थ के वजह से ही वो शेयर गिर चुका है, इसलिए वो और भी गिरे जाएगा और भी फिस और भी नीचे चला जाएगा, उससे नुकसान होता है। वो प्रॉपरली हमको नॉलेज नहीं मिलता है, हमको हमको ही एनालाइज करना पड़ता है। मैंने जो भी स्टडी किया है उससे मैंने पूरा एनालाइज करके वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको इजी हो जाए इन्वेस्ट करने के लिए और आपको कुछ अच्छा मुनाफा मिले। बेंजामिन देखिए यहाँ moneycontrol.com में आपको आना है, यहाँ देखना है नेट करंट एसेट्स वैल्यू है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है ना फ्रेंड्स 903 करोड़, मींस आज के दिनों में बहुत ही एफिशिएंट हो गया है मार्केट। तो आपको नेट करंट एसेट्स के वैल्यू के स्टॉक्स को फाइंड आउट करना उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। सो ये भी एक क्राइटेरिया है, उसको रखना है आपको, बहुत ही पावरफुल क्राइटेरिया है। लेकिन मिलता है तो पैसा आपको जरूर आपको निकाल कर देता है मार्केट।
196 रुपीस आ रहा है, लेकिन अभी शेयर देखिए, और दूसरी बात है कि 90 रुपीस तो आपको 196 तक तो जाएगा जी जाएगा। और दूसरी बात, बेंजामिन ग्राहम ने पता है कि नेट करंट एसेट वैल्यू से 0.67% लो होना चाहिए, सो 131 लेवल्स। अभी तो 90 है, सो बहुत कम है, ऑलमोस्ट ऑल हाफ कम है, सो ये आप इसको खरीद सकते हैं। और दूसरी बात बताता हूं कि ये शेयर 2017 में जब मार्केट बहुत आई था, तब ये शेयर 166 तक चला गया था। ये भी एक अच्छा स्टॉक है। एक और दूसरा मैं आपको दूसरा एक स्टॉक भी दिखाता हूँ, वो भी नेट करंट एसेट से बहुत कम है, लेकिन उसको आपको खरीदना नहीं है। अगर अगर आपको आप अच्छा, क्यों नहीं खरीदना वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, का नाम है संगम इंडस्ट्रीज, 65 पर चल रहा है, लेकिन देखिए इसका रिजर्व्स एंड सरप्लस देखिए 476 करोड़ से, इसका लोन्स देखिए 716 करोड़, ऑलमोस्ट ऑल अपने बुक वैल्यू से डबल लोन्स है इस कंपनी में। और दूसरी इसका पॉजिटिव भी है, डिविडेंड है, लेकिन आपको डिविडेंड लेकर नहीं खरीदना है। अगर डिविडेंड है तो थोड़ा प्लस है, लेकिन थोड़ा इस तरह के स्टॉक्स क्या होते हैं कि अगर देखिए डेप्थ देखते हो, डेप्थ बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, कुछ दिन के बाद क्या होता है कि शेयर गिर जाता है, हमको हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह के शेयर्स को हमको नहीं खरीदना है। मैं आपको दूसरा स्टॉक भी दिखाना चाहता हूं, जिंदौल ड्रिलिंग कंपनी, देखिए 110 रुपीस पर चल रहा है स्टॉक अभी। जिंदौल का कंपनी है ये, फिर ये कह कि ऑयल ड्रिलिंग कंपनी है। रिजर्व्स देखिए 824 करोड़, लोन्स 15 करोड़ अनसिक्योर्ड, सो ऑलमोस्ट ऑल यहाँ तो 70 करोड़ आ रहा है, सो आपको कंसोलिडेशन देखना है। यहाँ भी देखिए बहुत कम डेप्थ है, सो डेप्थ फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट बुक वैल्यू देखते हैं 289 रुपीज है, अभी चल रहा है 110 रुपीज पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, 66% प्रमोटर्स के पास, और प्रमोटर्स ने 64.83% से अभी इसको बढ़ा दिया है, ऑलमोस्ट ऑल 66% से। मीन्स प्रमोटर्स कॉन्फिडेंट है कि हमारा कंपनी अच्छा करेगी। ये हो गया, अभी हम लोग इसका नेट करंट एसेट वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ देखा रहा है 580 रुपीस बुक वैल्यू, कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू, लेकिन उतना तक तो जाएगा नहीं। दूसरी बात, हमको डिविडेंड भी देखना है ना, इसमें डिविडेंड भी दे रहा है स्टॉक, ये भी अच्छी बात है।
647 crores net current asset value है. ₹223 है फ्रेंड्स इसका नेट करंट एसेट वैल्यू. देख के 2018 में आया था टू, तो अभी तो मार्केट की के सो आपको ₹223 तक तो ये आएगा. और एक मिनट, आपको 223 माने तो आप उसके ₹0.67% के नीचे आपको खरीदना है, मींस इन द रेंज ऑफ 145 टू 150 रुपीस में खरीदना है. सो उसके बहुत ही नीचे 110 रुपीस पर चल रहा है, ऑलमोस्ट हाल हाफ डाउन है. इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं. सो हम लोग और एक स्टॉक देखते हैं. स्टॉक का नाम है सुपर हाउस. ये मेनली क्या कि फुटवेयर लेदर कंपनी है. सो फुटवेयर इस अभी इसका रेट है 135 रुपीस पर चलता है. इसका डेप्थ भी देख लेते हैं, 259 क्रोर्स है. और फिर सिक्योर्ड लोन्स 169 क्रोर्स है. सो ओके, रिजर्वेशन सबसे से कम है. यहाँ देखिए कंसोलिडेशन में भी देखिए 289 क्रोर्स है, सिक्योर्ड लोन्स 197 क्रोर्स है. सो रिजर्व एंड सरप्लस से भी कम है. सो ये भी अच्छी बात है. शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, 54.88% है कंपनी के पास. बुक वैल्यू देखते हैं 237 है, अभी शेयर चल रहा है 135 पर. सो और लास्ट बात है कि क्या कंपनी डिविडेंड देता है या नहीं. कंपनी डिविडेंड देता है. सो ₹10 डिविडेंड 10%. सो ऑलमोस्ट ऑल ₹1 डिविडेंड आता है हमको. सो ऑल हमारा क्राइटेरिया फिल कर दिया है स्टॉक. सो हम इसका नेट करंट एसेट वैल्यू भी देख लेते हैं. नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स. ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है फ्रेंड्स. क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूला के साथ खरीदते हो तो विद इन वन ईयर, मीन्स वन ईयर में 50% रिटर्न मिल सकता है. नहीं तो अगर थोड़ा डिले होगा तो 2 ईयर्स में मिलेगा. लेकिन आपको पैसा तो बहुत सेफ है. अगर मार्केट बढ़ेगा तो जरूर आपको कुछ ना कुछ मुनाफा तो मिलेगा ही मिलेगा. इस फार्मूला ये फार्मूला मेरे राय में सबसे अच्छा फार्मूला है. अगर कुछ स्टॉक्स मिलेंगे तो टेम्पररी डाउन हो सकते हैं स्टॉक्स, लेकिन विद इन अगर वन ईयर में आप देखेंगे तो 50% मिल सकता है. 2 ईयर्स अगर आप कुछ स्टॉक में अगर फंडामेंटल्स थोड़े कमजोर है तो आपको 1-2 ईयर्स तक, 1.5 ईयर तक वेट करना पड़ता है. लेकिन ये जरूर चलता है ये फार्मूला, ये नहीं है कि ये नहीं चलेगा.
लेकिन मैं आपको खरीदने के लिए स्टॉक्स नहीं रेकमेंड करूंगा कि आपका पैसा है आपको ही फाइनेंस। मैं तो कुछ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए देता हूँ। मेरी मैं कोई रिकमेंडेशन की तरह आप मत देखिए, क्योंकि शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरे मेन मोटिव है कि आपको एजुकेट करना, वही मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में। कि पैसा तो आपका है और रिस्क तो आपको ही लेना पड़ेगा। ₹184 लेवल्स आ रहा है, सो इनटू ₹123, सो अभी 135, सो 184 तक आप रख सकते हो। तो नेट में भी आया था, सो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा इस स्टॉक में भी। सो ये भी एक अच्छा स्टॉक मिला है हमको। अभी हम लोग कुछ और देखते हैं, कुछ और स्टॉक अगर हम देखते हैं। कॉम्पिटेंट ऑटो लिमिटेड, देखिए 189 करोड़ है अभी ये स्टॉक, 50 to 17 करोड़, सो ओके ऑलमोस्ट ऑल 70 करोड़ आ रहा है। रिजर्व सरप्लस 189 करोड़ है, सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बुक वैल्यू देखिए ₹312 है अभी, शेयर चल रहा है 196 पर, सो डिविडेंड पे करता है नहीं ये भी देखते हैं। ये तो डिविडेंड भी पे करता है, सो भी बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर्स के पास 75% स्टेक है, सो प्रमोटर्स बहुत कॉन्फ वो उनका स्टेक कम नहीं करना चाहते हैं, सो वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं स्टॉक पर। सो कुछ कुछ कंपनीज होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं कि उन प्रमोटर्स के होल्डिंग्स बहुत होते हैं लेकिन डेप्थ भी बहुत होता है। उस कंपनी से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो भी हमको मुनाफा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वॉल्यूम्स देखे सिर्फ 263, सो इस तरह के स्टॉक्स का आपको बहुत ज्यादा डिलीवरी नहीं लेना है, आपको मिनिमम 1 to 2 lakhs इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं तो अगर आप छोटे निवेशक हो तो 5 to 10,000 ही निवेश करना है। अगर आप इसमें आप निवेश करोगे तो पैसा वॉल्यूम्स उतना नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो तो वॉल्यूम्स आ जाते हैं। जब ये स्टॉक 300 तक आ जाता है तब वॉल्यूम्स तो आ जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि बहुत नहीं करना इसमें, कम कम करना इन्वेस्ट। कॉम्पिटेंट ऑटो के बारे में भी देखते हैं एक बार। ऑटोमोबाइल का पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका नेट करंट एसेट वैल्यू है 173 करोड़। ओके
281 रुपीस आ रहा है फ्रेंड्स, पीस का रेट चल रहा है 196 रुपीस इनटू 2.67 188, सो ऑलमोस्ट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसको खरीद कर और इसका हाई लोड भी देख लेते हैं, से 334 है ताई, सो आपको आराम से आपका टारगेट मिल सकता है स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। सो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और कुछ और स्टॉक्स हम देखते हैं। एच टी मीडिया को भी एक बार देख लेते हैं, एच टी मीडिया क्या ये हमारा मनी कंट्रोल में बहुत स्लो ओपन हो रहा है, अगर इसमें थोड़ा फास्ट ही ओपन हो रहा है, ये देखिए अभी 44 पर चल रहा है, लेकिन इसका बुक वैल्यू अगर देखते हैं 82 रुपीस है। सो डेप्थ देखिए 1071 है, रिजर्व एंड सरप्लस 1853 करोड़ है। सो यहाँ देखिए लोन्स रिजर्व एंड सरप्लस 2485 करोड़, सिक्योर्ड लोन्स 1187, सो ये अच्छा है। डिविडेंड पेइंग है, यस डिविडेंड पेइंग है। प्रमोटर्स है 69.50% है प्रमोटर्स होल्डिंग्स। इसका हम लोग नेट करंट एसेट वैल्यू देख लेते हैं। इस स्टॉक में मैंने करीबन 47 रुपीस में खरीदा हुआ है, अभी 44 पर चल रहा है, ये तो इसमें मेरा होल्डिंग्स है। बुक वैल्यू देखिए 123 रुपीस से कंसोलिडेटेड। सो बहुत सारे पेजेस है, सब ओपन होने के लिए बहुत टाइम लग रहा है मनी कंट्रोल में। सो ये नेट करंट एसेट वैल्यू यहाँ नहीं है, लेकिन ये अंडर वैल्यूड है मेरी राय में, क्योंकि ये 82 रुपीज बुक वैल्यू है, इसलिए मेरे राय में अंडर वैल्यूड। मैं आपको कुछ और नेट करंट एसेट वैल्यू के स्टॉक्स दिखाता हूँ हम लोग क्या है, इंडो थाई सिक्योरिटीज, ये 33 रुपीस पर चल रहा है अभी फिलहाल, रिजर्व एंड सरप्लस 43.9 है, इसका अनसिक्योर्ड है 4 क्रोर्स, सो डेप्थ फ्री कंपनी है, 45 क्रोर से कंसोलिडेशन में भी, लोन सिर्फ 5 क्रोर से, सो ऑलमोस्ट ऑल डेप्थ फ्री है। क्वेली 53 है, अभी 33 पर चल रहा है, ऑल टाइम हाई 2018 का हाई 128 रुपीस है। सो प्रमोटर्स होल्डिंग 66% है, प्रमोटर्स ने 1.5% होल्डिंग्स बढ़ाए, ये बहुत ही अच्छी बात है। डिविडेंड आपको फ्रेंड्स तू यहां पर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप पीएससी इंडिया में देखते हो तो इस कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, यहाँ इंडिया बुल्स वेंचर्स ने अपडेट नहीं किया है, लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो फिलहाल स्टॉक तो डाउन है, लेकिन
यहाँ देखते हो फ्रेंड्स, 1 रुपी डिविडेंड दिया है, और हम लोग इसका नेट करंट एसेट वैल्यू भी देख लेते हैं। मेनली ये शेयर्स ऐसा डीमैट अकाउंट्स ऐसा डील करता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज उस तरह की कंपनी है, लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। फिलहाल तो स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, लेकिन ये जरूर आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है अगर इसको होल्ड करते हो। ये तो मैं रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मुझे मेरा ओपिनियन ही देता हूँ मैं। अगर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ही लेना होगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको कितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं उसको एजुकेट करना ही मेरा पर्पस है। 1 ईयर में 69% डाउन हुआ है स्टॉक का प्राइस। मैंने लंबा वीडियो बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सभी स्टॉक्स एक ही वीडियो में मिल जाए, नहीं तो आप एक एक वीडियो करके 10 वीडियोस बनाना मुझे पसंद नहीं है। आपको सभी सब कुछ आपको अगर एक वीडियो में सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो अच्छा है, इसलिए मैं इतना बड़ा लंबा वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। ₹40 crores नेट करंट एसेट वैल्यू। Divided by total number of shares. ₹40 आ रहा है हमको, अभी स्टॉक चल रहा है 33। सो बेंजामिन ग्राहम तो उसको तो 0.67% मीन्स 27 पर खरीदना, लेकिन जब मार्केट गिरा था तब ये आया था, लेकिन फिलहाल थोड़ा 2-3 महीने से मार्केट अच्छा है, इसलिए इसका लो देख लेते हैं। ओह, लो 31 तक क्या है, ओके। फिर भी आपको ₹40 का टारगेट मीन अच्छा ही है, यहाँ से मिनिमम 30% तो रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप 1 ईयर होल्ड करोगे तो। सो यही था फ्रेंड्स इस वीडियो में, अगर काफी लंबा वीडियो हो गया है उसके लिए मैं इतना वाच करने के लिए आपसे बहुत ही थैंक यू कहता हूँ। और जरूर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरे पास नॉलेज है आपके साथ शेयर कर सकूं। और दूसरी बात, जो भी स्टॉक्स मैंने इस वीडियो में आपसे बताया है वो आप रिकमेंडेशन की तरफ नहीं लीजिए, मैं तो सिर्फ मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ। आप मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, सो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस ही वीडियो बना रहा हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो वॉच करने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।